कन्नौज के इत्र व्यापारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक तिरंगा इत्र बॉक्स तैयार किया है, जिसको तिरंगा का स्वरूप देते हुए बॉक्स में तीन रंग की शीशियां भी लगाई गई हैं। उन तीनों में अलग अलग इत्र भी भरे गए हैं, जिसमें नारंगी रंग की इत्र की बोतल में गुलाब का इत्र, सफेद रंग की बोतल में मिट्टी का इत्र, तो वहीं हरे रंग की बोतल में बेला का इत्र रखा गया है। ये इत्र पूरी तरह से केमिकल फ्री हैं, वहीं इन इत्रों को कन्नौज में ही तैयार किया गया। हम निशीष तिवारी है और ये मेरा शोरूम है गौरी सुगंध के नाम से कन्नौज में, और मैंने 15 अगस्त के मद्देनजर एक आइटम तैयार किया था, अभी नया गिफ्टिंग आइटम है, तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूं। ये मेरे पास ये एक इत्र बॉक्स है और इस पे आप देखेंगे कि ये इंग्रेविंग ही है इस पे कि कौन कौन से इत्र है, अंदर गुलाब है, मिट्टी है और बेला है। इसमें मैंने ऊपर इत्र बनाने का जो कारखाना रहता है उसको मैंने इंग्रेविंग कराया है, और ये प्योरली बॉक्स वगैरह सब कुछ अपना इंडिया में ही बना हुआ है, और अंदर ये बॉटल जो उसमें है ये तिरंगा को रिप्रेजेंट कर रही है। कलर वाइज ही इनके नाम है, इनमें कोई स्टिकर नहीं होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो गुलाब पहले नंबर पे है, तो उसका कलर ये, फिर मिट्टी है और फिर बेला है। इसमें 6 ml के तीन डिफरेंट इतर आते हैं, 100% नेचुरल इतर होते हैं, और ये बॉक्स और इतर और बॉटल ये सारा सब कुछ आप देखेंगे ये पूर्णतः भारत में ही निर्मित है, इसका कुछ ऐसा नहीं है, 100% स्वदेशी है ये, और इसको मैंने अपने स्पेशल उस पर तैयार कराया है ऑर्डर पे, और ये तिरंगा इत्र बॉक्स इसको कह सकते हैं, गिफ्टिंग के पर्पज से 15 अगस्त के टाइम पे अभी इसको लॉन्च किया है, और इसमें आपको जितने भी ये तीनों इत्र मिलते हैं ये 100% नेचुरल है और अपने कन्नौज में ही निर्मित है। असल सोच क्या रही, इसको हमें तिरंगा से रिप्रेजेंट करना था, मैंने तिरंगा से ही रिलेटेड भी बॉटल्स कलर पहले से ही बनवाए हुए थे। अब चूंकि बेला हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है कुदरती तौर पे पहले से ही, तो मैंने हरे रंग में बेला को कर दिया। व्हाइट वाला मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है, चूंकि मिट्टी एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कोई कुदरती कलर नहीं आता है जो उसका इत्र बनता है, तो मैंने व्हाइट वाले में मिट्टी को किया। गुलाब चूंकि ऑरेंज से मैच नहीं करता है, लेकिन लालपन जो होता है गुलाब का, जो लालानी है, अब वो चूंकि इन दो कलरों में किसी में था नहीं, तो इसलिए मुझे ऑरेंज वाले में गुलाब को रखना पड़ा, लेकिन मैंने चूंकि वो थीम बनानी थी तिरंगा से रिलेटेड, इसलिए मैंने वो तीनों डिफरेंट कलर रखने थे। लेबल इनमें लगाना नहीं था क्योंकि मैंने बॉक्स पे ऊपर इंग्रेविंग कराया हुआ था, इसलिए मैंने ये पहले से ही तय किया हुआ था कि ये तीनों अलग अलग कलर रहेंगे और उनके ऊपर लेबल नहीं रहेगा, अलग से ऊपर से इंग्रेविंग रहेगा। मिट्टी का सफेद कलर का इसलिए रखा कि एक तो व्हाइट कलर दोनों को जोड़ देता है, इधर से ऑरेंज को और उधर से ग्रीन को, ऐसे ही मिट्टी से ही ये दोनों इत्र तैयार हुए हैं, मिट्टी में ही ये पहले पेड़ पैदा हुए बने, इसी मिट्टी में। सबसे बड़ी खास बात है कि ये मिट्टी भी कन्नौज की है और इसी जमीन पे, इसी मिट्टी पे ये दोनों पेड़ हो गए, एक गुलाब का और एक बेला का, उनसे जो फूल निकले उनसे हमने इत्र निकाला और उनको इत्र को इन डिफरेंट बॉटल्स में हमने पैक करके उसका एक गिफ्ट पैक बनाया, इत्र तिरंगा इत्र बॉक्स। ये 2100 रुपए का पूरा बॉक्स आता है, जिसमें आपको तीन डिफरेंट 6 ml के तीन अलग अलग इत्र आपको मिलते हैं, और ये गिफ्ट बॉक्स और बॉटल्स वगैरह आते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी इंक्लूड है। आप कहीं से भी इसको इंडिया में कहीं से भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, 2100 रुपए में आपको ये मिल जाएगा।